सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निरविघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोके दुर्गा शिववाचे देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायणि करो हि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नदः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि करो सर्वे साधन मया तवैव स्नेहेन प्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुव छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानी नाम विचेतांसि देवी भगवते हिसाब बलादादृश्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मिता हरसि भीतिमशेषदन्तो स्वस्थे स्मिता मदिमदेव शुभं ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरुणाय सदार्थचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वते भयभस्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते। रोगान् चेशान् अपहंसि तुष्टा दुष्टा तु कामान् सगलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताजाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्विनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्रशतनाम स्तोत्रम् ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलाननि यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचने आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महात्पा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिदाचिदिः सर्वमन्दमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी आनन्दा भावनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीररञ्जिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी
वनदुर्गा च मातंगे मतंगे मुनिपूजिता ब्रह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुला प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटवहन्त्री च चण्डमुण्ड विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च किशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यैरं प्रभुते नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् असाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनधान्यं सुतं जाय हयमस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन् मुक्तिं च शाश्वतीम् कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयित्वया भक्त्या पठेत् नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां जान्ति राज्यक्षेमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुङ्कुमेण सिन्दूरकर्पूरमधुत्रेण विलिक्यन्द्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्यादिशामग्रे चन्द्रे शतभिषाङ्गते विलक्ष्य प्रवटे स्तोत्रं स भवे सम्बदाम्बद इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिश से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ दिव्याः कवचम् ॐ अस्य श्री चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्या सप्तमातरो वीरम् दिगबन्ध देवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाणाङ्गत्येन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जनकस्य च दात्यादं तन्मे ब्रूहि ब्रह्मवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणश्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणि तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्येति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं गात्यायणीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिरात्रि च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना
अग्निनागय मानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गताः नातेषां जायते किञ्चन अशुभं रण संकटे नावदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि येस्तु भक्त्यास्मदानो न तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्वरन्ति देव्यशि रक्षसे तान् संशयः वेद संस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासुरा इन्द्रियैः समारूढा वैष्णवी गरुडासुना माहेश्वरी विशारूढा कौमारी शिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषभाहना ब्रह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता नित्यनामादरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाजा नानारत्नवशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः गोधसमकुलाः शङ्खं चक्रं गदां चक्रफलं च मुसलायुधं खेडकं गोमरं चैव पशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्यं देवानां च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महाराज्ञे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुष्पेक्षे शत्रूणां भयवर्धने प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रियाग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणे प्रदीप्त्या वारुणि रक्षे वायव्यां मृगवाहिणे उदीप्त्यां पातु कौमारी ऐशानां शूलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे अधस्ताद्यष्टवे तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा शिववाहना जया मे जाग्रतः पातु वीर्या पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे जावराजिता शिखामुद्योधनी रक्षे उमामूर्ति व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भुवो रक्षे दशश्वनी त्रिनेत्राज भुवोर्मध्ये जलखण्डाजनासिके शङ्खणि चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रोद्वारवासिनि कपोलो बालिका रक्षे कर्णमूले तु शङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोश्चे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्र घण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे च कुम्भरक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवा वहि कण्ठे नलिकां दलकोबरे स्कन्धया खड्गणि रक्षे बाहु मे पञ्चधारिणि हस्तयो दण्डणि रक्षे दम्बिका चाङ्गुलेषु च नगाञ्चुलेश्वरी रक्ष कुक्षौ रक्ष कुलेश्वरी करौ रक्ष महादेवी मनः शोकविनाशने हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणि नाभौ च कामनि रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुरे महिषवाहिणि कट्यां भगवती रक्ष जारुणि विन्ध्यवासिणि जङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिणि गुल्भयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसे पादाङ्गुलेषु श्रीरक्षे पादादस्तलवासिणि नखादंष्टाकराले च केशाश्चैवोर्ध्वकेशिणि रोमकोपेषु कौबेरी त्वचं नागेश्वरी तथा रक्तमज्जा वसामासा न्यस्ति मेदांसि पार्वती अन्द्राणि कालरात्रिश्च पित्तं जामुगुरेश्वरी पद्मावति पद्मकोश कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नगज्वालामहिद्या सर्वसन्धिषु
शुक्रम ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनो बुद्धिं रक्षेत् मे धर्म धारिणी प्राणापानो तथा व्याणं मुदानं च समानिकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभना हरसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिणी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मे भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुभगा रक्षे मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचीर्णदु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशने पदमेकं न गच्छतु जदिच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयति कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरं मधुरं प्राप्स्यति भूतले पुमान् निर्भयो जायते भक्त्या सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु अभिपूज्यः कवचेनामृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यापने प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्विदः देवी कलाहमेतस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवे वशिष्ठं साग्रं नवमित्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याजः सर्वे दूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले गोचराः केचराश्चैव जलज्ञाश्चोपदेशिकाः सजा कुलरामाला डाकनी शाकनी तथा अन्तरिक्ष चरा घोरा डाकल्यश्च महाबलाः गृहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो निवेराज्ञस्तेजो वृद्धिकरं वरम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचम्बुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति वेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं नः माया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते अथार्गला स्तोत्रम् ॐ अस्य श्रीअर्गला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो शिः अनुष्टव छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशतीपाठागत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेयुवाच ॐ जयन्ते मङ्गलाकारि भद्रकाली कपालिणि दुर्गाक्षमा शिवा धात्रि स्वाहा सुधा नमोऽस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते मधुकैटव विद्रावि विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुहृदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्ड विनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य मर्दिनि
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि वांछितांगे युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि अचिंत्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि सुभद्रो भक्तिपूर्वं तां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि चण्डिके सततं जयत्वा मर्चयन्तीह भक्तिदः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि विधेहि दुष्टां नाशं विधेहि बलमोचकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि सुरासुरशिरोरत्नानिभ्यश्च चरणिम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं धनं गुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि प्रचण्ड दैत्य गर्भग्न चण्डिके प्रणदायमे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवे षट्षद्भक्त्या सदम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि हिमाचल सुदानाथ संस्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि इन्द्राणी बल सर्वाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्य दर्प विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि देवी भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवित्तानुदारिणी कारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवान् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं वठिन्नरः स तु सप्तशती संख्या परमाप्नोति संवदान् ॐ अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवर्षिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशतीपाहनागत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी देवचक्षुषे श्रियः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सौभाग्यधारिणे सर्वभेदद्विरानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम् स्वविक्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः सिद्धन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्नपि एतेन सुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रान् विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं मे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः समाप्तेन च पुण्यस्य तां यथा वण्डियन्त्रणाम् स्वविक्षेमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः न
दलाधिपति गृह्णाति नान्नतेश प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विरागिणां नित्यं लभते संस्फुटम् सिद्धा सगणासो गन्धर्वो जायते नरः न दैवापृतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमित्रवशं जाते मृतो मोक्षेमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्रैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधेः सौभाग्याद् यत्किञ्च दृश्यते ललनागणे तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदं शुभम् क्षणेस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सानकेन्द्रणैः श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्र आय गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुति गिरिवरविन्दशिरोधिनि वाशिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे श्रुतिकण्ठकुडुम्बिनि भूरिकुडुम्बिनि भूरिकृति जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलसुते दुर्भर वर्षण दुर्धर धर्षण दुर्मुख मर्षण हर्षरति त्रिभुवन पोषण शंकर तोषण त्रिविश पोषण घोषरति धन धन रोषण दृत सुख रोषण दुर्मद शोषण सिंधु सुति जय जय भी महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि शैल सुति हय जगदम्ब कदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनि हासरति शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गणिजालय मध्यगति मधु मधुरे मधु कैटभ व्यञ्जनि कैटभ व्यञ्जनि रासरति जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक मर्दिनि शैल सुति हय शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपति ऋभुगज गण्ड विरारण चण्ड परक्रम शुण्ड विगाधिपति निजभुर दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड वटाधिपति जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक मर्दिनि शैल सुति हैरण दुर्मद शत्रु मधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृति चतुर विचार धुरेण महाशिव दूत कृत प्रमथाधिपति दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमति जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि शैल सुति हय शरणागत वेरि मधुवर वीर पराभय दायकरि त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि दामन शूल करि दुम दुम दामर दुन्दुभिनाथ महोमुखरि कृत तुर्मकरि जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि शैल सुति ऐनिलहुङ्कृत पात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशति समर विशोषित शोणित बीज समोद्भव शोणित बीजति शिव शिव शुम्भन शुम्भ महाभव तर्पित भूत विशाचरति
जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्ये प्रपद्मिनी शैलसुदेव गणुरणु संगर नक्षण संगवर स्कोर दंगन दत्कड़की कनक विशंग विशत्कन शंकर सर्वड शिंग तावटुकी द्वित चतुरंग वरक्षिति रंग घटत बहुरंग रतत्वडुकी जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्ये कवर्दिनी शैलसुती जय जय जप्त जय जय शप्त परस्तुति तत्पर विश्वनुति जन जन झिंझिम झिंझ तनुपुर सिंधित मोहित भूतपति नटित नटातन नट नाय नाटित नाट्य सुगानरति जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्ये कवर्दिनी शैलसुती आय सुमनः 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 सुमनोहर कांतियुते चित रजनी गर्भक्त विदे सोनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपति जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्ये कवर्दिनी शैलसुते सरित महाहव मल्लम कल्लिक मल्लिक रल्लक मल्लरति विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्ग वृदि सित किर पुल्लस मुल्लस तारुण दल्लर पल्लव संललिति जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्ये कवर्दिनी शैलसुते अविरल गंड गलन्मद मेदुर मत्कमदंगन राजपति त्रिभुवन भूषण भूत करानिधि रूप पयोनिधि राजसुते अहि सुत तेजन लाल समानस मोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्ये कवर्दिनी शैलसुते कमल दलावल कोमल कांति कला कलितामल भाललति सकल विलास कला निलयक्रम गेलि चलत कलहंस गुले आलकुल संकुल कोवलय मंडल मौलि मिलन्द कुलालि कुले जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्ये कवर्दिनी शैलसुते कर मोर नीरव विजित कोटित लज्जित कोकिल मंजुमति विरत पुलिन्द मनोहर गुंजित रंजित शैलन कुंज गति निर्गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण समृत केलितले जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्ये कवर्दिनी शैलसुते कटिकट पीतद कोलद चित्त मयो गतिरस्कृत चंद्र रुचि प्रणत सुरासुर मौलि मणि स्फुरदंशुल सन्नग चंद्र रुचि नित कनकाचल मौलि पदोर्जित निर्भर कुंजर कुंभ कुचि जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्ये कवर्दिनी शैलसुते विजित सहस्र करेक सहस्र करेक सहस्र करेक नुति विद सुर तारक संगर तारक संगर तारक सुनु सुते सुर समाधि समान समाधि समान समाधि सुदा तरति जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्ये कवर्दिनी शैलसुते कमलं करुणानिलये वरिवस्यदियोनुदिनं शशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयासकरं स भवेत् तव परमेव परं तदमित्तं शीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्ये कवर्दिनी शैलसुते कणकल सकल सिन्धु नरेरणु सिन्धिनु ते गुणरङ्गभुवं
जति सके मन सते खुद कुंभरी बलिराम सुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि न कामरवाणि निवासि शिवं जय जय हे महिषासुरमर्दन रम्य कपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दु कुलं वदनेन्दु मलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहो दपुरेन्दु मुखे सुमुखे विरसो विमुखे क्रियते भवतु मदं शिव नाम गणे भवति कृपया किमु क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐ मयि दीन दयालु तया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे ऐ जगतो जननी कृपया सिदासि तदानुमितासिरदे चतुर्विधमत्र भवत्युरुरे कुरुता दुरुता मम पाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते। भक्तियन भी अंत में पृष्ठ नंबर 23 पर क्षमा प्रार्थना निकाल दीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हन च मया दासो अयमिति मम त्वा क्षमस्व परमेश्वरे आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जन पूजा सेवन जनभि क्षम्यतां परमेश्वरे मन्त्रहीनं दयाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदं नेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति नातां ब्रह्मादयः सुरः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तं त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकं योऽहं यथेच्छसि ददाकरु अज्ञानाभिस्मदे भ्रान्त्या यन्योनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे ध्यानाचामि मां वृत्यः प्रसीद परमेश्वरि गुह्याति गुह्यगोत्रे त्वं गृहाणास्वकृतं जपं सिद्धिं भवतु मे देवीः पद्मसदा सुरेश्वरि सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन 3 बार ओंकार अक्षर का नाद करेंगे एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए हे माँ इन पदों में स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन 3 बार एक साथ ओम का अक्षर का नाद कीजिएगा। ओ
बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुणायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया ज्योता वाली माता जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। मेधासी देवी वेदाखिल शास्त्र सारा दुर्गासी दुर्गव सागर नौर संगा श्री कैडवारी हृदय कक्षिदासी भाषा गौरी त्वमेव शशि मौली कित प्रतिष्ठा। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही है। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के बख्यास्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। ईषत सहासमलम परिपूर्ण चंद्र बिंबाणुकानी कणकोत्तम कांति कांतम अत्यधम प्रतिमात्रशा तथापि भक्तम विलोक सहसा महिषासुरेण। आपका मुख मुंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। दिष्ट्वादु देवी कोविदं बुढ़ी कराल मुद्य चांग सद्य यन सद्या प्राणान मोज महिषित्रम कैजे गोदान दर्शन। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी ही बहों के कारण विकराल होता तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, ये उससे ही बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरी हुई जमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी प्रसी परमा भवती भवाय सद्यो विनाश अधि कोवधि कुलाणी विज्ञात नीतम बलम सुहिल महिषासुरस्य। देवी, आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर देती हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है आपसे कि आप प्रसन्न हो, प्रसिद्ध भगवत्याद प्रसिद्ध शिवरूपनी प्रसिद्ध भक्त वरदे जगन्नमाये नमोस्तुते। जगत को प्रसन्न वाली प्रसन्न करने वाली जगन माता आप प्रसन्न हो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्तों पर नहीं, स्वयं देवताओं पर, राजा महाराजाओं पर, अवतारों पर, अध्यात्मों पर भी जब कोई संकट काल आन पड़ा है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है, तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है। तब माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन दे करके उन सभी के कष्टों को सदा के लिए दूर कर दिया। प्राचीन काल में स्वारोचिष मनंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था
और वो अपनी प्रजा को अपने औरस पुत्रों की भांति प्रेम करते थे, परंतु फिर भी उनकी शत्रुता कोलाब ध्वंसी क्षत्रियों से हो गई। युद्ध हुआ, यद्यपि वह क्षत्रिय सेना में कम थे, परंतु फिर भी राजा सुरथ उनसे परास्त हो गए और केवल अपने देश के ही राजा होकर रहने लगे, अर्थात समस्त भूमंडल पर से उनका अधिकार जाता रहा। परंतु वहाँ पर भी उनके जो मंत्री थे उन्होंने उनके कोष को छीन लिया और वे राजा सुरथ जिनका प्रभुत्व पूर्णतया नष्ट हो चुका था, इस प्रकार एक दिन अनमने मन से घोड़े पर बैठ करके वन में चले गए, जहाँ उन्होंने सुमेधा ऋषि का आश्रम देखा है, जहाँ सभी प्रकार के जो हिंसक प्राणी थे अपनी स्वाभाविक जो हिंसा वृत्ति छोड़ करके बड़े शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यगण आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका आदर सत्कार किया और राजा कुछ दिन तक वहाँ पर रहे। एक दिन विचरते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए उनका मन अनायास ही अपने राज्य की ओर चला गया और वो मत भाव से ये विचार करने लगे, मेरा राज्य जो मुझसे छूट चुका है, पता नहीं मेरे जो भृत्यगण हैं, मेरे जो सेवक हैं, वह सुखी हैं अथवा दुखी हैं। मेरा शूरवीर हाथी जो सदैव मत रहता था, अब निश्चय रूप से दूसरों के अधीन होगा, दुखी होगा। वे जो भृत्यगण मेरी सेवा पाने के लिए मेरे पीछे पीछे चलते थे, निश्चय रूप से अब दूसरों का अनुसरण करते हुए। इस प्रकार के कई ममता रूपी जो भाव थे राजा के मन में आ रहे थे, तभी उन्होंने वहाँ एक वैश्य को देखा और उसे पूछा कि भाई आप कौन हो। उस वैश्य ने बड़े विनीत भाव से कहा कि महाराज, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ समाधि नाम का वैश्य हूँ, परंतु मेरे ही स्त्री पुत्र भाई बंधु ने मेरा ही धन छीन करके मुझे घर से बाहर निकाल दे दिया है। इस पर भी मैं उनके प्रति सोचता रहता हूँ कि वे सुखी हैं, दुखी हैं, सदाचारी होगा, दुराचारी हो गए हैं। राय कहने लगे, वे स्त्री पुत्र भाई बंधु जिन्होंने धन के लोभ में धन आपका छीन करके घर से बाहर निकाल दिया, उनके लिए ही आप लंबी लंबी सांसें ले रहे हो। वैश्य समाधि ने कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता, मैं नहीं सोच पाता कि क्यों मेरा मन उन्हीं की तरफ रहता है, जबकि उन्होंने मेरा धन लेकर के मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तब वो दोनों राजा सुरथ तथा समाधि वैश्य उन सुमेधा ऋषि के शरण में गए और उनके सारा वृत्तांत बताया राजा ने कि मेरा राज्य जो मुझसे छिना जा चुका है और मैं जानता हूँ मुझे प्राप्ति होगा, फिर भी मेरा ममता रूपी जो भाव है उस पर बना रहता है, और ये समाधि वैश्य भी जिसको घर से बाहर निकाल दिया है, दोनों ऋषि को बता रहे हैं और ये उनके प्रति ही सोचता रहता है क्या कारण है। उस समय सुमेधा ऋषि उनको उपदेश दे रहे हैं कि ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भवती सा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। ये भवती महामाया देवी ज्ञानी के चित्त को बलपूर्वक खींच करके मोह में डाल देती हैं, हम भक्तों की बात ही क्या है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो मोह में पड़ करके पुनः पुनः संसार में आया करते हैं। मनुष्य अपने किए हुए उपकार का बदला पाने जो ऐसा सोचता कि मेरे पुत्र मेरी सेवा करेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है, वो ममता रूपी घड़े में गिराए गए हैं और ये भगवान विष्णु की जो माया है इसी ने हमको जो मोहित कर रखा है, यही हमको विद्या प्रदान करती हैं, यही जो हमको मोह में डालती हैं। पहले भी हम इस प्रकार थे, आगे भी होंगे, इस समय भी हैं, इसलिए इसके लिए कि हम मोह को प्राप्त न हो, हमें सदैव इन्हीं के शरण ग्रहण करनी चाहिए। तब दोनों राजा सुरथ तथा समाधि वैश्य ने मुनि को प्रणाम किया और वो वन में तपस्या के लिए चले गए। राजा सुरथ तथा समाधि ने नदी के किनारे मिट्टी की माता की मूर्ति बनाई और धूप दीप होम से उसकी पूजा करने लगे, देवी सूक्त का पाठ करते हुए पूजा करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने अपने आहार को कम कर दिया और फिर पूर्णतः निराहार रहते हुए अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि करके होम करते रहे। 3 साल तक इनकी तपस्या चलती रही। अंत में माता जी उनको दर्शन दिया और कहा कि राजा सुरथ समाधि वैश्य, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप जो भी वरदान मांगना चाहते हैं मुझसे मांग लिए। राजा ने कहा कि महारानी, मेरा खोया हुआ राज्य मुझे प्राप्त हो और अगले जन्म में मुझे ऐसा ही राज्य प्राप्त हो, और समाधि वैश्य जिनका मन संसार से विरक्त हो चुका था उन्होंने जो मोक्ष के लिए ज्ञान मांगा। माता ने कहा कि राजन, आप अगले जन्म में राज्य प्राप्त करोगे और फिर मृत्यु के पश्चात भगवान सूर्य के अंश से सावर्णिक मनु होंगे और समाधि वैश्य आपको मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर माता जी
अंतर्धान होगी है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब जभी हम भक्तों पर कोई संकट काल आन पड़ा है और जब किसी भी विशेष चेतन वाली सहायता नहीं की है, तो हमने अंत में इन्हीं अनंत कोड़ी ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी सभी शक्तियों से संपन्न होते हुए जब इनकी आराधना करते हैं, हम भक्तों क्यों नहीं करनी चाहिए, अवश्य करने चाहिए, विशेष रूप से इस काली काल में जब केवल उन्हीं का प्रताप है। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप से केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़मूल से एक है, ऊपरा के तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती जा रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनामन ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पाड़ी पार प्राकृत रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे काली काल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन राशि मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरणों बैठे हुए हम सभी भक्ति तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्छे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्छे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नानोपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में सुन रहे माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जय, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तजन उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मणिंद्र जी से अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिंद्र। जय करा शरण सच्चे दरबार की जय, भावना की जोत को जगा के देखिए, भावना की जोत को जगा के देखिए के बोलती है मूर्ति, बोला के देखिए के बोलती है मूर्ति, बोला के देखिए हाँ के बोलती है मूर्ति, बोला के देखिए के बोलती है मूर्ति, बोला के भावना की जोत को जगा के देखिए,
जगा की ज्योत को जगा के देखिए। हाथ ऊपर उठा मार कर हाथ देंगे और वो क्या बोलेंगे मिलकर जय माता दी। बोलती है मूर्ति बोला के देखिए।
कर रहे हैं श्री यशपाल जी। जय करा शरवानी दा बोल सांचे दरबार की जय। चल भगता चल मादर चलिए, चल भगता चल मादर चलिए, चल भगता चल मादर चलिए, चल भगता चल मादर चलिए। सुदेन राते रुता प्यारिया हमीए असुदेन राते रुता प्यारिया हो हमीए असुदेन राते रुता प्यारिया। चल भगता चल मादर चलिए, चल भगता चल मादर चलिए, चल भगता चल मादर
जल मादर चलिए बाण गंगा दा ठंडड़ा पानी बाण गंगा दा ठंडड़ा पानी हस हस लाइया भगता तारिया अम्मीए हस हस लाइया भगता तारिया ओ जल भगता जल मादर चलिए ओ जल भगता जल मादर चलिए रुता प्यारिया रुता प्यारिया चन्न तेरे मत्थे दा टिका 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 चल भगता चल मादर चलिए दादिए हसुदे नराते रुता प्यारिया अम्मी हसुदे नराते रुता प्यारिया चूड़ा सोने बाह मैया दे चूड़ा सोने
सोनिया मालिया हो अमीए कन्नी सोवन सोनिया मालिया चल भगता चल मादर चलिए चल भगता चल मादर चलिए चल भगता चल मादर चलिए रुता प्यारिया चल भगता चल मादर चलिए 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 ते रुता प्यारिया अमीए रुता प्यारिया अमीए असुदे नरा ते रुता प्यारिया राधिए असुदे नरा ते रुता प्यारिया अमीए असुदे नरा ते रुता प्यारिया बोल सांचे दरबार की जय एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश जय कर मेरे शरण वाली मैया जी का बोल सांचे दरबार की जय आंखों में हो आंसू और होठों पे मां का नाम क्यों नहीं रिझेगी मेरी मां क्यों नहीं मानेगी मेरी मां क्यों नहीं लीजिएगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ आँखों में हो आँसू और होठों पे माँ का नाम क्यों नहीं लीजिएगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ क्यों नहीं लीजिएगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ करो भरोसा बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम क्यों नहीं रिझेगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ क्यों नहीं रिझेगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ आँखों में हो आँसू और होठों पे माँ का नाम क्यों नहीं रिझेगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ क्यों नहीं रिझेगी मेरी माँ क्यों पछताए जब भी तू रो देगा अपने पापों पर पछताए जब भी तू रो देगा अपने पापों पर पछताए जब भी तू रो देगा अपने पापों पर पछताए जब भी तू रो देगा तेरा एक एक आंसू क्यों ना पापों को धो देगा तेरा एक एक आंसू क्यों ना पापों को धो देगा तेरा एक एक आंसू क्यों ना पापों को धो देगा तेरा एक एक आंसू क्यों ना पापों को धो देगा फिर अम्बे माँ का दर्शन होगा आहों का इनाम क्यों नहीं रिझेगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ क्यों नहीं रिझेगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ आँखों में हो आँसू और होठों पे माँ का नाम क्यों नहीं रिझेगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ क्यों नहीं रिझेगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ क्यों नहीं रिझेगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ क्यों नहीं रिझेगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप मैया का बसता आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप
मैया का बसता। आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप मैया का बसता। आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप मैया का बसता। ऐसे रोने से माँ मिल जाए तो जानो सस्ता। ऐसे रोने से माँ मिल जाए तो जानो सस्ता। ऐसे रोने से माँ मिल जाए तो जानो सस्ता। ऐसे रोने से माँ मिल जाए तो जानो सस्ता। कितने दुर्लभ माँ के दर्शन कितने सस्ते दाम। क्यों नहीं दीजिएगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं दीजिएगी मेरी माँ। मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं रीझेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं रीझेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं रीझेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ। रोने पे जग हंसता है पर रो देना आसान नहीं। रोने से जग हंसता है पर रो देना आसान नहीं। रोने पे जग हंसता है पर रो देना आसान नहीं। रोने पे जग हंसता है पर रो देना आसान नहीं। दीन बंधु माँ करुणा सिंधु कर देगी पहचान सही। दीन बंधु माँ करुणा सिंधु कर देगी पहचान सही। बंधु माँ करुणा सिंधु कर देगी पहचान सही। बंधु माँ करुणा सिंधु कर देगी पहचान सही। भक्त वत्सला शरणागत को भजले सुबह शाम। क्यों नहीं दीजिएगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं दीजिएगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ। आँखों में हो और होठों पे माँ का नाम। क्यों नहीं दीजिएगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं दीजिएगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं दीजिएगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं दीजिएगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ। वो आंसू भी क्या आंसू जग के लिए बहाए। वो आंसू भी क्या आंसू जो जग के लिए बहाए। वो आंसू भी क्या आंसू जो जग के लिए बहाए। वो आंसू भी क्या आंसू जो जग के लिए बहाए। माँ की याद में बहे जो आंसू वो आंसू कहलाए। माँ की याद में बहे जो आंसू माँ की याद में बहे जो आंसू वो आंसू कहलाए। माँ की याद में बहे जो आंसू वो आंसू कहलाए। ऐसे ही एक आंसू पर वो दौड़ी आएगी माँ। क्यों नहीं दीजिएगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं दीजिएगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ। आँखों में हो आंसू और होठों पे माँ का नाम। क्यों नहीं दीजिएगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं दीजिएगी मेरी माँ,
नहीं देगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं देगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं देगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ। जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का, भोल सांचे दरबार की जय। हे मात मेरी, 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 ऐसी है देरी लगाई दुर्गे, हे मात मेरी, हे मात मेरी, ऐसी है देरी लगाई दुर्गे, हे मात मेरी, हे मात जकड़ा पड़ा हूँ, हे बात मेरी, हे बात मेरी, ना मुझ में बल है ना मुझ में विद्या, ना मुझ में भक्ति, ना मुझ में शक्ति, ना मुझ में बल है ना मुझ में विद्या, ना मुझ में भक्ति, ना मुझ में शक्ति, ये बात मेरी,
जग मेरी जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जीगा बोल सच्चे दरबार की जय प्रातः स्मरामि शरदिंदु करोज्ज्वलाभां सद्रत्त मन्मकर कुंडल हार भूषां दिव्याजोर्जित सुनील सहस्य हस्तां रक्तोत्पलाभ चरणा भवती परेशां सच्चिया जोता माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय आज बिकवाली शुभ संवत 2076 दक्षिणायन उत्तर गोल शरद ऋतु भाद्रपद मास की आज 28 प्रविष्टे हैं शुक्ल पक्षी आज चतुर्दशी तिथि है चतुर्दशी आज प्रातः 7:36 तक है तत्पश्चात पूर्णिमा है अतः रात्रि वाली पूर्णिमा सत्यनारायण जी का व्रत आज ही है आज से प्रोष्ठवधि महालय शब्द प्रारंभ हो रहे हैं और आज पूर्णिमा का शब्द है शुक्रवार तदनुसार 13 सितंबर 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव संत दीवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव भैरी धर्म धरणे व्यापार दक्षो भव श्री शंभोर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुना बुद्धिनाशोस्तु मित्रानामुदयस्तव श्रीवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं चत्समत्सं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः आपकी दीर्घायु हो आपका आरोग्यता प्राप्त हो आप धन धन से संपन्न हो जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी आरती बोलेंगे आपकी पुस्तिका के अंत पुष्पर आरती भी है सभी बोलेंगे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम कौन सी दिन ध्यावत मैया जी कौन सी दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा विवरी ओम जय अम्बे गौरी भागत दूर विरागत को मृग मज को मैया टी को मृग मज को ओ चल से दो नैना ओ चल से दो नैना चंद बदन नी को ओम जल अमे गौरे कान का समान करीब रक्ता पर राज मैया रक्ता मर राज रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला पंडन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राज खड़ग कपर धार मैया खड़ग कपर धारी तुर नर मुनि जन सेवत तुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासा के मोती मैया नासा के मोती मोटिक चंद्र दिवाक
कर कोटि चंद्र दिवाकर श्याम राज तजोदि ओम जय अम्बे शंभन शुंभ विदार महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी दंड मुंड संहार शोणित वीर हरे मैया शोणित वीर हरे मधु कैटव दो मारे मधु कैटव दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरे ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योग निगाव नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो वरदा मैया तुम ही हो हरदा भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे भुजाचार अति शोभित पर मुद्रा धारी भैया भर मुद्रा धारी मनवांछित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे कंचन ताल विराजत अगर कपूर बात मैया अगर कपूर बाजी श्रीमाल के तुम्हें राज श्रीमाल के तुम्हें राज कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नित गावे मैया प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी गहत हरे हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे ओम जय अम्बे मैया जय रामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि बंबारी ओम जय अम्बे कचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी की पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्तजन बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती बंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी। रल मिल बोलो जय माता दी। रावे मिला जय माता दी। सादा मिला जय माता दी। आरती मिला जय माता दी। ਮਾਤਾ ਜੀ
ਸੋਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵਾਲੀ ਸੋਨੇ ਖੱਟਿਆ ਵਾਲੀ ਸੋਨੇ ਜਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਨੇ ਭਵਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਨੇ ਗੁਫਾ ਵਾਲੀ ਮਹਾਤਮਾਣੀ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੰਡੀ ਰਾਣੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਸੰਤਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਈਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂਸਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਜੈ ਜੈ ਅੰਬੇ ਜੈ ਜਗਦੰਬੇ 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 ਜੈ ਜਗਦੰਬੇ ਜੈ ਜੈ ਅੰਬੇ ਜੈ ਜੈ ਅੰਬੇ ਜੈ ਜਗਦੰਬੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਅਸੀਂ ਸਭੀ ਭਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਵਰ ਸੇ ਬੋਲਤੇ ਹੋਏ ਤਾਲੀ ਵਜਾਤੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਂਗੇ। ਓਮ ਦੇਹੀ ਸੌਭਾਗਯਮ ਆਰੋਗਯਮ ਓਮ ਦੇਹੀ ਸੌਭਾਗਯਮ ਆਰੋਗਯਮ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪਰਮਮ ਸੁਖਮ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪਰਮਮ ਸੁਖਮ ਰੂਪਮ ਦੇਹੀ ਜਯਮ ਦੇਹੀ ਰੂਪਮ ਦੇਹੀ ਜਯਮ ਦੇਹੀ ਯਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਦਿਸੋ ਜਹੀ ਯਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਧਵਜੋ ਜਹੀ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨਃ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨਃ ਸਰਵੇ ਸੰਤੋ ਨਿਰਾਮਯਾ ਸਰਵੇ ਸੰਤੋ ਨਿਰਾਮਯਾ ਸਰਵੇ ਭਦ੍ਰਾਣਿ ਪਸ਼ਯਂਤੁ ਸਰਵੇ ਭਦ੍ਰਾਣਿ ਪਸ਼ਯਂਤੁ ਮਾ ਕਸ਼ਚਿਤ ਦੁਃਖ ਭਾਗ ਭਵੇ ਮਾ ਕਸ਼ਚਿਤ ਦੁਃਖ ਭਾਗ ਭਵੇ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿਹ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿਹ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿਹ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿਹ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿਹ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿ। ਅਭੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਜਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸਭੀ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਰਤੀ ਅਕਰਮ ਦੇਖੀਗਾ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ।
बोलिएगा, बोलो सच्चे
की आवाज मैं बार बार बोल रहा हूँ, मां से पहचान बना लो, आज जहां पुकारोगे कल अपने घर से जार करोगे मां। इसलिए आज जहां बैठे हुए आपको माता ने मौका दिया, कल अपने घर में बैठे हुए हम आपको जहां से आशीर्वाद आपके लिए वहां भेजेंगे। फिर पूरी गज के साथ बोलो अच्छा लग रहा है। अभी गुफा में भी जाने ऐसे Yeah.